हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट फिटर स्टडी चैनल। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। चलिए शुरू करते हैं। इधर मैंने लिखा है 1 से 9 तक नंबर और उसका स्क्वायर मैंने राइट साइड में लिखा है। जैसे कि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 और 7 का स्क्वायर 49 और 49 का स्क्वायर रूट 7। जिस भी नंबर का यूनिट डिजिट में 9 आएगा उसी का स्क्वायर रूट में आंसर 3 और 7, इसी दोनों से कोई एक आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर आता है 5929। यहाँ पर यूनिट डिजिट होता है 9, तो आंसर में 3 और 7, इस दोनों से कोई आंसर आने वाला है। अभी राइट साइड से 2 नंबर छोड़ दीजिए, बचे हुए नंबर होता है 59। 59 के पीछे ऐसे कौन सा नंबर है जो कि एक स्क्वायर बनता है, वो होता है 49। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, इसलिए आंसर में लिख लीजिए पहले 7 और 7 को नेक्स्ट नंबर साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 8 56, जो कि 59 से कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब 7 के साथ बड़े वाला नंबर लेना है, 77 होता है आंसर। नेक्स्ट नंबर आता है 7744, यूनिट डिजिट 4। यूनिट डिजिट 4 कब निकलता है, जब 2 और 8 दोनों का स्क्वायर बनता है तब यूनिट डिजिट में 4 आता है, इसलिए लिख लीजिए 2 और 8। अब राइट साइड से 2 नंबर छोड़ दीजिए, बचे हुए नंबर होता है 77। 77 के पीछे एक कौन सा नंबर होता है जो कि एक स्क्वायर बनता है, 64। 64 में किसका स्क्वायर होता है 8 का, इसलिए लिख लीजिए अभी 8 और 8 को उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 8 × 9 72, जो कि 77 से छोटा होता है, इसलिए 8 के साथ छोटा है मतलब बड़ा नंबर लेना चाहिए, 88। नेक्स्ट नंबर आता है 576, यूनिट डिजिट 6। यूनिट डिजिट 6 कब बनता है, जब 4 और 6 का स्क्वायर बनाया जाता है तब यूनिट डिजिट में 6 आता है, इसलिए लिख लीजिए अभी 4 और 6 लिख लीजिए। अभी राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ने के बाद आता है 5। 5 के पीछे एक नंबर होता है जो कि स्क्वायर बनता है, वो होता है 4। तो 4 का किसका स्क्वायर होता है 2 का, इसलिए लिख लीजिए 2 और 2 को नेक्स्ट नंबर साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 2 × 3 6, जो कि 5 से बड़ा होता है, इसलिए 2 के साथ छोटा नंबर लेना है 24। नेक्स्ट नंबर आता है 3364, यूनिट डिजिट में आता है 4। 4 कब बनता है यूनिट डिजिट में, जब 2 और 8 दोनों का स्क्वायर बनता है, इसलिए लिख लीजिए 2 और 8। राइट साइड में 2 नंबर छोड़ दीजिए। अब बचता है 33। 33 के पीछे ऐसे कौन नंबर होता है जो कि एक स्क्वायर बनता है, वो होता है 25। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, इसलिए लिख लीजिए 5 और 5 को नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 6 30, जो कि 33 से छोटा होता है, इसलिए 5 के साथ बड़ा नंबर लेना है, 58 आंसर होता है। नेक्स्ट नंबर आता है 1156, यूनिट डिजिट 6। जब 4 और 6 दोनों का स्क्वायर बनाया जाता है तब यूनिट डिजिट में 6 आता है, इसलिए लिख लीजिए 4 और 6। अभी राइट साइड से 2 नंबर छोड़ दीजिए, बचे हुए नंबर होता है 11। 11 के पीछे एक नंबर होता है जो कि स्क्वायर बनता है, वो होता है 9। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, इसलिए लिख लीजिए 3 और 3 को नेक्स्ट नंबर साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 3 × 4 12, 11 से बड़ा होता है, इसलिए लिखिए 3 के साथ 4। नेक्स्ट नंबर होता है 25281, यूनिट डिजिट 1। जब 1 और 9 दोनों का स्क्वायर बनाया जाता है तब यूनिट डिजिट में 1 आता है। अभी राइट साइड से 2 नंबर छोड़ दीजिए, बचे हुए नंबर होता है 252। 252 के पीछे एक नंबर होता है 225, जो कि 15 का स्क्वायर होता है, तो सो लिख लीजिए 15 और 15 को नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 15 × 16 240, जो कि 252 से नीचे हो रहा है, इसलिए 15 के साथ बड़ा नंबर लिख लीजिए, 159। नेक्स्ट नंबर आता है 2116, आप इसका निकालिए और निकाले के कमेंट में लिखिए। थैंक यू।